बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सिरात-ए-मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। सऊदी वजारत सेहत की जानिब से ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर दी गई है। वबाई मर्ज करोना ओमिक्रॉन के बिगड़ते हुए हालात की बुनियाद पर सऊदी वजारत सेहत ने सिर्फ 3 माह के लिहाज से एक नया टाइम फ्रेम जारी कर दिया है, जिसका जानना तमाम सऊदी शहरी और खसूसी तौर पर गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अपने मुल्कों में जा रहे हैं ताकि किसी भी बुनियाद पर उनके लिए दोबारा से मुश्किलात खड़ी ना हो जाएं। सऊदी वजारत सेहत के ताज़ा तरीन एलामी के मुताबिक वो तमाम गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरी जिन्हें दूसरी खुराक लिए हुए 3 माह का अरसा गुजर चुका है, वो पहली फुर्सत में बूस्टर डोज यानी तीसरी खुराक लाजमी हासिल कर लें। याद रखें, सऊदी अरब में कवानीन तीसरी खुराक के लिहाज से बहुत वाजिया कर दिए गए हैं। आने वाले दिनों में वो गैर मुल्की अफराद जो इसे लिए बगैर अपने मुल्कों में जाएंगे, इन पर दोबारा से मुश्किलात हो सकती हैं वापस आने के लिए सऊदी अरब में। लिहाजा ये गलती बिल्कुल ना करें। सऊदी अरब जाने से पहले अगर आपको इतना टाइम हो चुका है कि 3 महीने गुजर चुके हैं नए एलामी के मुताबिक, फौरी तौर पर वैक्सीन से मुतल्लिका जो नया एलामिया जारी हो गया है उस पर अमल करते हुए बूस्टर डोज लगवा लें। दोस्तों, ये एलामिये हमें ख़बरदार भी कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर और सऊदी अरब में कोरोना के केसेस में जो अजाफा हो गया है, तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को लाजमी तौर पर एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। सऊदी अरब और पूरी दुनिया से मुतल्लिका अहम तरीन मालूमात हासिल करने के लिए मेरे दोनों चैनल्स को देखते रहें। दूसरे चैनल का लिंक मैंने कमेंट्स बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, जिसमें बहुत अहम मालूमात ऑलरेडी शेयर की गई हैं। वीडियो लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।